गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ्स. एंड इन मैथ्स व्हाट वी वर डूइंग एडिशन. और मैंने आपको कल भी बताया था ये किस चीज का साइन है. यस, एडिशन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सो योर एग्जाम्पल इज एड 57 एंड 49. सो योर फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द गिवन नंबर्स इन कॉलम फॉर्म एंड एड द वंस. आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है. Your first step is to write the numbers in the column. So, 57. You will write 7 under ones and 5 under tens. Similarly, 9 of 49 will come under ones and 4 under tens. Very good students. And after that you will add the ones. हमेशा हम कहाँ से शुरू करते हैं? Ones से. तो आप क्या करोगे? Ones को add कर दोगे. You will add 7 and 9. So add 7 and 9. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. After that your step 2 is, ab kya karoge? 16, 1, 6, 16. Now in 1, 6, 6 is at the place of 1s. Aur 1 kiski place par hai? 1 is at the place of tens. So 1 को हम कहाँ ले जाएंगे? Tens में. उसके बाद आप क्या करोगे? You will add 1, 5 and 4. You will add all the tens. You will add 1 plus 5 plus 4. So 1 plus 5 is 6. And 6 plus 4 is 10. So 57 plus 49 is 106. After that students, you have to do page number 41. जैसे questions अभी हमने discuss किए हैं class में, ये बिल्कुल वैसे ही हैं. Okay, so you will do page number 40 in your book. But यहाँ पर कुछ questions कैसे दिए हैं आपको? 3 वाले, like this. So now what will you do? You will add, first of all you will add all ones. सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सारे ones को add कर देते हैं. So 6 plus 2, 6 plus 2, 7, 8. And 8 plus 1, 8 and 1 is 9. Now 2 plus 1 is 3 and 3 plus 1 is 4. Like this. Student, ये जो 3 वाले questions हैं, ये 3 वाले questions आपको ऐसे add करने हैं. Okay, let's take another example.
Now, you first of all, you will add all 1s. So, 6 plus 2. 6 plus 2, 6, 7, 8. After that, 8 plus 4, 9, 10, 11, 12. So, in 12, 2 is at the place of 1s. But this 1 is at the place of 10s. So, what will you do? You will write this 1s under 10s. Now, you will add all the 10s. So, 1 plus 2 is 3. 3 plus 1, 4. And 4 plus 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, what is your answer? One, two. Now, word problems. Your example is, a gift hamper has 12 chocolates. Ek gift hamper mein kitni chocolates hai? 12 chocolates, 34 toffees and 26 lollipops. How many candies all together are there in the hamper? अभी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हैम्पर है उसमें टोटल कितनी कैंडीज हैं. सो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड इट. सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, कितनी चॉकलेट्स हैं? 12. कितनी चॉकलेट्स हैं? 12. कितनी टॉफीज हैं? 34. एंड नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स, कितने लॉलीपॉप्स हैं? 26. अब आपको ये बताना है कि सारी कैंडीज कितनी है हैम्पर के अंदर. सो यू विल ऐड इट. ओके, एंड लाइक दिस यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस. लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिभा रेड 64 पेजेस ऑफ अ नोवेल ऑन सैटरडे. प्रतिभा ने क्या किया? कितने पेजेस रीड किए हैं नोवेल के? 64 पेजेस उसने सैटरडे को रीड कर लिए हैं. एंड 35 पेजेस ऑन संडे. और संडे को उसने कितने पेजेस रीड किए हैं? 35. हाउ मैनी पेजेस इन ऑल डिड शी रीड इन दीज टू डेज? डिड शी रीड इन दीज टू डेज? अब ये क्या कह रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि उसने इन दो दिनों में कितने पेजेस रीड किए थे. सो नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड इट. 64 तो उसने किस दिन किए थे? 64 उसने किए थे सैटरडे को. और संडे को उसने कितने किए थे? 35. और आपको टोटल निकालना है. सो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड इट. एंड स्टूडेंट्स, यू नो दैट हाउ टू ऐड इट. आपको बस इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना है और फिर इन्हें सॉल्व करना है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू? यू विल डू पेज नंबर 40 एंड पेज नंबर 41 इन योर मैथ्स बुक. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.